नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइवली 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गिद्धौर जमुई से सदानंद कुमार की रिपोर्ट। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धौर में आशा कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग दी जा रही है। लगभग 32 कार्यकर्ता की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में यह बताया जा रहा है कि आप गर्भवती औरतों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इसका ट्रेनिंग कर्मी आनंद कुमार के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यह ट्रेनिंग जिला स्तरीय का कार्यक्रम है। इस ट्रेनिंग से आशा कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है कि आप जाकर घर घर लोगों को बताएं कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात है, जो प्रशिक्षण हॉल में हमारे हैं, इसी 32 में जरा गलती होगा और सही नहीं बता, ऐसा थोड़ी है रोड पर जाकर किसी से हम पूछ लेंगे, आपको जवाब नहीं देगा, भले गलत हो गया सही होगा। आज जो लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, किस बिंदु पे दिया गया? बिल्कुल, आज ट्रेनिंग का चौथा दिन था। आज हम लोग सुबह में इन लोगों को सेप्सिस के बारे में बताए हैं कि सेप्सिस आखिर होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, छोटे बच्चे में सेप्सिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्सिस की कैसे बचाव किया जाता है, सेप्सिस की कैसे पहचान होती है और कैसे उसके उपचार होते हैं, इसके बारे इन्होंने इन लोगों को हम लोग सिखवाए हैं सेप्सिस के बारे में। और आगे जो अभी हम लोग बता रहे थे वो आपको अवर्शन के बारे में, सुरक्षित गर्भपात के बारे में, सुरक्षित गर्भपात कैसे होता है, किस परिस्थिति में गर्भपात लोग महिलाएं करवाती है, उसी के तहत हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं इनको।